नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ECHS की जो रिवाइज गाइडलाइन है उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या रिवाइज हुआ है। तो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो सिंगल रेफलर से आप 6 टाइम 3 मंथ के बीच में आप दिखा सकते हैं। पहले ये दोस्तों 1 मंथ के लिए होता था, अब ये 3 मंथ्स के लिए हो गया है और 6 टाइम तक आप दिखा सकते हो। तो दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि पहले 75 ईयर से अब जो होते थे उनको कोई रेफरल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब उसकी 75 ईयर एज को 70 ईयर्स के एज पे कर दिए है, जिससे आप डायरेक्टली किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ECHS पैनल से आप दिखा सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसमें जो हम जो 70 ईयर्स किया है गवर्नमेंट ने, उसमें हम मैक्सिमम 3000 की लिमिट ही है, यानी कि हमें 3000 तक एक्सरे हो जाए या फिर जो कुछ भी ब्लड टेस्ट वगैरह होता है वो 3000 तक ही है। अगर बाई चांस MRI 3000 से महंगी है या कोई भी चीज़ महंगी है तो 3000 से लिमिट से आपको रेफर दोबारा बनवाना पड़ेगा। और नेक्स्ट है दोस्तों कि एमरजेंसी सिचुएशन में आपको 5000, यानी पहले ये 3000 था, अभी 5000 की, यानी कि कोई भी जाँच होती है एमरजेंसी में आप जाते हो तो आपको उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही वहाँ पे जाके 5000 तक आपको वो जाँच कराई जा सकती है। एक आप डी पॉइंट देख सकते हो दोस्तों, एडमिशन इन इंपेलेंट हॉस्पिटल, यानी कि आपको जो इंपेलेंट हॉस्पिटल है उसमें अगर आपकी इमरजेंसी है तब तो आपको रेफरल की जरूरत नहीं है, तब तो आप डायरेक्ट एडमिट हो सकते हो। लेकिन बाई चांस इमरजेंसी नहीं है तो फिर आपको नॉर्मल जैसे पहले होता था कि आपको रेफरल बनवा के फिर ही जाना है, तभी वो एडमिशन लेंगे।